महोदय एडी कोटा सिटी रिटर्निंग ऑफिसर कोटा दक्षिण श्री एडिशनल एसपी श्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री डीएम जी मेहरा का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मंच पे आमंत्रित किया और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर या लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो उन्होंने मुझे एक शब्द दिया है मैं उसके लिए सच में दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कोटा की जनता ने मुझे बेहद प्यार दिया और अगर मैं आज मिसेस एशिया इंटरनेशनल हूँ तो उसमें मेरे अपने लोगों का बहुत योगदान है। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब जब हम सब बात कर रहे हैं कि हमें अपना मतदान प्रतिशत बढ़ाना है तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने अपने शहर का नाम जो आप सभी मुझे कह रहे हैं कि अपने शहर का नाम रोशन किया है तो आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कहने से हमारे शहर का नाम मतदान की प्रतिशत में सबसे ऊपर करेंगे। अगर मेरे यहाँ उपस्थित होने से जो मतदान का प्रतिशत हमारा पिछले साल का 75.16% रहा है वो बढ़कर अगर 80% या 85% होता है तो मेरा यहाँ आना आप सभी से बात करना सफल होगा। हम सभी ने बहुत कोशिश करी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें पर मैं सबसे पहले जो महिलाएं हैं यहाँ पर उपस्थित उन सभी का आह्वान करना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं यहाँ पर हैं जो मतदान करेंगी मैं उनसे विनती करती हूँ कि ये महिलाएं अपनी जितनी भी सहेलियाँ अपनी जितनी भी दोस्त हैं जो कि होम मेकर हैं या जो करियर वुमेन हैं जो शायद ये सोचती हैं कि मेरा वोट देने से क्या फर्क पड़ने वाला है तो हमें पता है कि एक एक वोट कितना अमूल्य है। एक वोट से अगर सरकार बनती है तो एक वोट से सरकार गिर भी सकती है। आपका वोट बहुत कीमती है देश की और राज्य की प्रगति को निर्धारित करने के लिए। तो सबसे पहले जो महिला है वो इस चीज के लिए शपथ लेंगी कि हम खुद भी वोट देंगे और एक एक महिला को प्रत्येक महिला हर एक महिला को जोड़ेगी आगे से मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए और मतदान कराने के लिए। तभी हम ये सार्थक सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ महिलाओं का योगदान देश में 50% है जैसे कि पॉपुलेशन भी 50% है। तो अगर हमने ये भी कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि अब हम 75% से ज्यादा 85% 90% तक या 100 के करीब पहुंच जाएंगे। मतदान करने के लिए आजकल जो निर्वाचन आयोग है उसने इतनी सुविधा हम सभी के लिए कराई है कि हर मतदाता केंद्र तक आपको परिवहन की सुविधा है व्हील चेयर की सुविधा है आपको एक जो नई मतदाता पर्ची दी जाएगी उसमें आपके बीएलओ का नाम उसका फोन नंबर आपके सारे उसमें मैप दिशा निर्देश सब कुछ अंकित है। तो जब सरकार